हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जैसे पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा मेल मर्ज के बारे में, यानी मेल मर्ज के माध्यम से हमने लेटर अलग अलग एड्रेस पर टाइप तो कर दिया बहुत सारा, बट कोई भी लेटर डायरेक्ट वो जो है नहीं जाता, उसको एनवेलप में डाल करके हमको भेजना होता है। लेकिन एडवांस दुनिया के हिसाब से आज के डेट में जो एनवेलप होता है वो भी बिल्कुल कंप्यूटर से प्रिंटेड होता है। तो अगर हमें इनवेलप को प्रिंट करना है तो उसको बिल्कुल भी अलग अलग एड्रेसेस में अगर हम लिखने लग जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो एड्रेस हमने यूज किया था लेटर के लिए, वही सारे के सारे एड्रेस को अगर हम इनवेलप के लिए यूज कर लें और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो हम बिल्कुल मिनट्स के अंदर ही हम वो सारे के सारे एड्रेस को इनवेलप पर लेकर के आ पाएंगे और बिल्कुल इजी तरीके से हम उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं उसको कैसे लेकर के आएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस टाइप की बहुत सारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज लेकर के आता रहता हूं और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज लेकर के आता रहता हूं। तो अगर इस टाइप की वीडियोज देखना आपको पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं इस ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड 2016 और यहां पर आप देख सकते हैं ये मेलिंग्स में आप यहां पर इनवेलप्स को देख सकते हैं। तो इनवेलप यहां से जब यूज होगा तो एक्चुअली किसी भी एक पार्टी को अगर हमें एक ही इनवेलप प्रिंट करना है तो हम यहां से इसको यूज करेंगे। जैसे हम यहां पर आएंगे तो यहां पर फॉर्म में अपना एड्रेस होगा, एक बार डाल देंगे तो एड्रेस हमेशा यहां पर सेव रहता है। ऐसा ये एमएस ऑफिस का जो है सिस्टम है कि यहां पर वो सेव रहेगा। अगर आप यहां से चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर चेंज कर दिया, इस तरीके से जो भी है आप बदल भी सकते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर टू के बाद जो है टू लिख करके और यहां पर आप जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहां पर डाल करके और वहां पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर कुछ भी कर देते हैं एज ए एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिएगा मैं क्या टाइप कर रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। और उसके बाद जो है टाइप करने के बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं यहां से, या फिर अगर आपको देखना है तो आप जो है आप यहां पर आएंगे या फिर ऑप्शन पर अगर आप आते हैं तो यहां से आप उस इनवेलप का साइज ले सकते हैं। अगर साइज यही है, जैसे कि जनरली साइज यही होता है, लेकिन अगर साइज कोई चेंज है, अगर आप वो साइज लेना चाहते हैं तो आप वहां से वो साइज ले सकते हैं। साइज लेने के बाद जो है ओके करेंगे, वो साइज ले लेगा। उसके बाद जो है ऐड टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ये नहीं चाहिए, हमें इनवेलप नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापिस आ जाएंगे। और वापिस आने के बाद वो सारे के सारे जितने भी एड्रेसेस थे तो वो सारे एड्रेसेस के लिए हमको इनवेलप प्रिंट करना है, जितने कि हमने लेटर्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापिस हम मेल मर्ज पे जाएंगे और यहां से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आने के बाद जो है आप यहां से, जैसे कि लेटर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जाना, यहां से जो है हम इनवेलप को सिलेक्ट करेंगे। इनवेलप को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम यहां से नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। और यहां पर आने के बाद जो है अगर लेआउट आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपने रख रखा है पहले से फॉर्मेट बना करके तो आप यहां से एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, या फिर इसको अगर चेंज करना है तो आप यहां पर इनवेलप ऑप्शंस पर आकर के आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज नहीं करना है तो आप यहां से नेक्स्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, तो यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां से भी जो है वो सारे के सारे ले सकते हैं, साइजेस वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। लेने के बाद जो है आप ओके करेंगे तो नेक्स्ट पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये फ्रॉम होता है, फ्रॉम में ये सभी पर एक ही रहेगा क्योंकि कंपनीज के माध्यम से भेजा जा रहा है तो वो तो हमेशा एक ही रहना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा आपको, इसके लिए जो है आपको यहां पर एड्रेस देना होता है, यानी कि लिंक करना है वो सारे के सारे एड्रेसेस को। तो यहां पर मान लीजिए हमने टू कर दिया, इंटर हमने किया। इंटर करने के बाद जो है यहां से जैसे कि आप देख रहे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि जो इसके अंदर लिस्ट है उसी से हमको लेना है या फिर आउटलुक से लेना है। आउटलुक से लेना है तो इस पर आएंगे, या फिर कोई दूसरी लिस्ट अगर आपके पीसी में है तो आपको वहां से लेना है। तो एक्चुअली हमें यहीं से लेना है जो इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो लिस्ट बनाया हुआ था पिछले वीडियो के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर से हमको इसके अंदर लिंक करना है। तो हम ब्राउज पे आएंगे और यहां पर वो हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जो बनाया था पिछले वीडियो के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट हमने सेव किया था, हमने उसी को लिया है। उस पर करने के बाद हम यहां से ओपन करेंगे और यहां से आप देख सकते हैं इसके बाद जो है हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहां से अगर आप सेलेक्ट डिफरेंट, अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कोई और अलग हो गया तो आप यहां से दोबारा से दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एडिट करना है तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है आप यहां से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि अरेंज योर
इनवेलप। यहां से आने के बाद जो है आपको यहां से लिंक देना है। लिंक के लिए आप यहां से मोर आइटम्स पर क्लिक करेंगे और यहां से फर्स्ट पे नेम पर सेलेक्ट रखते हुए इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से आएंगे, एड्रेस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, इंसर्ट दोबारा, डिस्ट्रिक्ट इंसर्ट, क्लोज, मोर। इस तरीके से सभी को आप जो है इनमें से जो जो भी आपको देना है वहां पर वो सारा का सारा इंसर्ट करा देंगे। ये जरूरी नहीं कि जितना था सारा ही आपको इंसर्ट कराना है, हो सकता है किसी की जरूरत ना हो यहां पर तो हम नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद जो है हम उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं जो भी हमने वहां पर डाला था एड्रेसेस के अंदर तो वो सारा का सारा यहां पर आ गया है। अब यहां पर यही अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं आगे पीछे करके जो भी आपको प्रिंट करना है वन बाई वन करके, तो आप ये वन बाई वन करके प्रिंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि वो सारी लिस्ट आपके सामने दिखाई दे तो उसके लिए आप यहां से नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप यहां से देख सकते हैं अगर सारे के सारे लिस्ट को प्रिंट करना है तो एक ही बार लिफाफा डाल करके प्रिंट में और डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे तो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से जो है एडिट इनवेलप पर क्लिक करेंगे। यहां से करने के बाद आप यहां से पूछेगा कि कौन सा चाहिए, अगर सारा ही चाहिए तो आप यहां से ओके पर प्रेस करेंगे और ये सारा का सारा आप ये देख सकते हैं सारा का सारा इनवेलप जो है वन बाई वन करके आ गया है। चूंकि एड्रेसेस प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमने एड्रेस उसमें दिया ही नहीं था, तो इस तरीके से जो भी आप उसमें देंगे उस तरीके से ये आ जाएगा। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट करके अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एडिट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से इनवेलप कैसे अलग अलग जितने भी एड्रेसेस हैं आपके पास कैसे एक ही बार में प्रिंट कर पाएंगे आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।